अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनो सलवा। जिसमें आज मैं बना रही हूँ इमली और खजूर की मीठी चटनी। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले पैन के अंदर 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 पाव इमली ऐड कर दूँगी। इमली को इस पानी में अच्छा पकाना है, ठीक है, ताकि पानी बॉयल आ जाए, उसका सारा गूदा जो इस पानी में निकल जाए। इसको पकने रख दूंगी अब मैं ताकि पानी बॉयल आ जाए। चलिए, देखिए पानी में अच्छा बॉयल आ चुका है, ठीक है, इमली डिजॉल्व हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको निकाल लूँगी, निकाल के इसको मैं छानूंगी ताकि सारे बीज अलग हो जाए और गूदा अलग हो जाए। चलिए, बस अब मैं इसको निकाल के छान लेती हूँ। चलिए जी, पलक देखिए मैंने साइड पर रखी, ठीक है, निकाल के मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पर 10 अदद खजूरें हैं, ठीक है। इस खजूरों के मैंने स्किन और सीड जो रिमूव करी हुई है वो मैं इसको ब्लेंडर में ऐड कर दूँगी। लाजमी स्किन निकाल दीजिएगा। साथ ही इसके मेरे पास 4 से 5 अदद पुदीने के पत्ते हैं, इसे डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और सब कुछ तरह से ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। चलिए, देखिए जो हमने पल्प निकाला था इमली का गर्म करके, सारा मैंने स्कैन में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, ऐसे ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद जीरा, ये जाएगा इसमें। खजूर का पेस्ट जाएगा जो हमने ब्लेंड किया है अभी, इन सब अच्छी तरह मिक्स करके पकाऊँगी। अब मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। अच्छा, ब्राउन शुगर जो है ऑप्शनल है, ब्राउन हो तो व्हाइट डाल दें और ना डालना चाहे तो ना डालें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि खजूर ऑलरेडी मीठी होती है। अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो उसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दीजिएगा। बस अब इसको इस तरह मिक्स करके इतना पकाना है हमने इसको कि इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए। बस अब मैं इसे पकने दूँगी। चलिए, देखिए चटनी हमारी जो है अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें, इसको मैंने इतना पकाया कि ये गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी इसको मैं, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के ऐड कर दीजिएगा तो और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन मैं मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगी। बस अब मैं क्या करूँगी, मैं बिल्कुल लास्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर है, इसे ऐड करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसे 5 मिनट पकाऊँगी, फिर से निकाल लूँगी। इमली खजूर की चटनी रेडी हो चुकी है, मैंने सर्व कर दिया है। इसे आप दही बड़े चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्नैक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगी। जो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।